तो नमस्ते दोस्तों, मनीषा राय ब्लॉग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं क्या बनाई हूँ आप लोग के लिए, देख सकते हैं। बहुत ही रसीला एकदम गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी। रक्षाबंधन भी आने वाला है और 15 अगस्त भी आने वाला है, तो आप लोग किसी ही दिन बना के खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। देखिए, एक कटोरी ले लिए हैं सूजी, छोटी कटोरी से लिए हैं, एक कटोरी सूजी ले लिए हैं। इधर कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं कढ़ाई को, और सूजी डाल के इसको अच्छे से भून लेते हैं। ज़्यादा भूनना नहीं है, बिल्कुल इसका कच्चापन बस ही निकल जाए, और ज़्यादा नहीं भूनना है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही टेस्टी बना था ये रसगुल्ला। देखिए, एक कटोरी दूध ले लिए थे और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। एकदम सिलो आँच ही रखना है, ज़्यादा मीडियम साइज नहीं और इतना ज़्यादा फुल आँच नहीं रखना है। एकदम सिलो आँच करके इसको सारे दूध को अच्छे से डाल दिए हैं। इसको बराबर ही चलाना है ताकि इसका जो सूजी का गुठली है, ये गाढ़ गाढ़ दिख रहा है हल्का, इसको पूरे तरीके से घुल जाए और अच्छे से एकदम बन के इसका डो तैयार हो जाए अच्छे से। देखिए, पूरी तरीके सूजी एकदम मस्त फूल गया है और अच्छे से पकने लगा है। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है, एकदम बढ़िया पक हो गया है। देखिए, हल्का हल्का पकने लगा है। देखिए, एकदम अच्छे से पक गया है। अब इसको थोड़ा सा और पका लेंगे इस एकदम सिलो आँच में। इसको ज़्यादा फूल आँच नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे से, ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना है। देखिए, एकदम अच्छे से सूजी पक गया है, बढ़िया। अब इसको नीचे उतार लेते हैं गैस के और छोड़ देते हैं इसमें, ठंडा होने देते हैं। तब तक के हम चाशनी बना लेते हैं रसगुल्ला के लिए। देखिए, एक कटोरी चीनी ले लिए हैं और एक पतीले में इसमें डाल के और एक गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेते हैं। देखिए, चीनी मेरा पूरा घुल गया है, थोड़ा बाद बहुत ही बाकी है। इसको अच्छे से अब घुल जाए, ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, बस हल्का बलक जाए एक बार बस। देखिए, सारा चीनी जो अच्छे से घुल गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, ये भी घुला देते हैं पका के। देखिए, अच्छे से चीनी सारा घुल गया है, बलकने लगा है। इतना ही बलकाना है इसको, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा चाशनी नहीं होना चाहिए, इतना ही रसगुल्ला में नहीं घुस पाएगा। देखिए, चाशनी मेरा बन के तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया। अब इसको गैस बंद कर देते हैं। इधर देखिए, सूजी भी प्लेट में निकाल लिए हैं और इसको देखते हैं, ठंडा हो गया होगा तब इसको हाथ से एकदम लगा, घी थोड़ा सा हाथ में लगा के इसको मसल देंगे। देखिए, ठंडा हो गया है, हाथ में छूने लायक। अब इसको अच्छे से वैसे फैला फैला के इसको रगड़ेंगे, एकदम बढ़िया तैयार करेंगे इसका डो। देखिए, अच्छे से इसको मसल मसल के एकदम आटा की तरह एकदम गूंथ लिए हैं, अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम बनने लायक, एकदम मस्त बढ़िया से हो गया है। देखिए, अब छोटा छोटा लोई ले गए रसगुल्ला के बराबर। अब उसको अच्छे से मसल के हाथ से और बनाएंगे, बिल्कुल फटा वटा नहीं रह जाए, नहीं तो रसगुल्ला तेल में जाते ही फट जाएगा। देखिए, लंबा साइज आज रसगुल्ला बनाएंगे हम। ऐसे ही करके सारे रसगुल्लों को बना लेना है इसी तरीके से। आप लोग जो शेप रखें, गोल रखें या लंबा रखें, जैसे भी बना सकते हैं, पर इसको अच्छे से एकदम पूरी तरीके सूजी घुल जाएगा तभी अच्छा बनेगा। देखिए, सारे रसगुल्ले को अच्छे से तैयार कर लिए हैं, पूरी रसगुल्ले को बना के उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। ये बन के तैयार हो गया है। इधर तेल भी रख दिए हैं गैस पे, गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके रसगुल्ले को डालेंगे। देखिए, एक एक करके रसगुल्ले को डाल के और इसको आँच को ज़्यादा फूल नहीं रखना है, मीडियम साइज रखना है, नहीं तो रसगुल्ला जल जाएगा, पकेगा नहीं अंदर से। देखिए, सारे रसगुल्ले को डाल दिए हैं। अब इसमें इसको पकने देते हैं अच्छे से, ज़्यादा फूल आँच नहीं रखना है, मीडियम साइज इसका आँच रखना है। अब देखिए,
चम्मच से इसको अच्छे से ऐसे चला देंगे, ऐसे ऐसे करके चला देंगे, नहीं तो ये पकेगा नहीं अच्छे से। देखिए चला दिए हैं चम्मच से, पूरी तरफ हल्का ब्राउन होने लगा है। ऐसे ही इसको चला दीजिए, बहुत ही अच्छा पक के ही हो जाता है, बहुत बढ़िया पक जाता है। एक भी रसगुल्ला देखिए फटा भी नहीं है और हल्का ब्राउन होने लगा है। अब इसको पूरा गोल्डन होने तक के अच्छे से इसको पका लेंगे। अब इसमें जब अच्छे से पक जाए तब इसको फुल आँच करके इसको अच्छे से पूरा ब्राउन होने तक के इसको पका लीजिए। देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया है, रसगुल्ला फूल के ऊपर के तेल से ऊपर भी आ गया है, अब पक गया है। अब इसमें निकाल लेते हैं प्लेट में, इसी तरह सारे रसगुल्ले को तल देंगे। देखिए प्लेट में ऐसे करके निकाल लेते हैं, कितना अच्छा दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा है कि सूजी का रसगुल्ला है। देखिए सारे रसगुल्ले को अच्छे से तल लिए हैं। इधर चाशनी भी हल्का से ठंडी हो गई, इसको हल्का गर्म कर लेते हैं और इसमें एक एक करके अब डालेंगे। देखिए अब सारे रसगुल्ले को एक एक करके सब इसमें डाल देते हैं, अब चाशनी में डाल के और इसमें छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। देखिए सारे रसगुल्ले को डाल दिए हैं और अच्छे से चला देते हैं। इसमें दो पीस गोल भी बना दिए थे हम। देखिए आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं अब इसमें चाशनी ताकि अच्छे से सोख ले। देखिए 1 घंटे के बाद खोले हैं, कितना अच्छा सारे रसगुल्ले एकदम चाशनी सोख लिया है और नीचे बैठ गया है। आप लोग को हाथ से दिखाते हूँ, देखिए कितना ज़्यादा चाशनी एकदम इसमें सोख गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। पकड़ते ही एकदम मतलब एकदम सॉफ्ट लग रहा है। देखिए आप लोग को चम्मच से एक पीस निकाल के और दिखाते हैं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा रसगुल्ला एकदम बन गया था। आप लोग भी एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए। देखिए चम्मच से काट के दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार रसगुल्ला बन के एकदम तैयार हो गया है। आप लोग मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए एंड तक के। देखिए एकदम जालीदार रसगुल्ला बन के एकदम तैयार हो गया, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग मेरे वीडियो देखना है प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए।